भारत सरकार के नए मंत्रिमंडल में भावनगर की महिला भाजपा सांसद नीमूबेन बाभनिया को भी शामिल किया गया है। मैं नीमूबेन बाभनिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। रविवार शाम दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद भावनगर में जश्न का माहौल देखने मिला। नीमूबेन बाभनिया पहली बार भावनगर से लोकसभा का चुनाव लड़े और 4.5 लाख की लीड से विजेता भी बने। उन्हें मोदी मंत्रालय में जगह मिलने से भावनगर के विकास को तेजी मिलने की आस भावनगर के लोग लगा रहे हैं। नीमूबेन बाभनिया 2 बार भावनगर के मेयर भी रहे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उमेश मकवाना के खिलाफ इस बार उन्हें लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा गया, जहां उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। मंत्रिमंडल में शामिल करने पर भावनगर के भाजपा कार्यालय पर और उनके घर पर जश्न का माहौल देखा गया। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। गुजरात के अन्य महानगरों के मुकाबले भावनगर का विकास काफी पीछे रह गया है। ऐसे में नीमूबेन बाभनिया को मंत्री पद मिलने से भावनगर के विकास कार्यों को तेजी मिल सकती है। गुजरात के अमरेली के बाबरा में 2 घंटे में ही 3 इंच जितनी बारिश हुई है, जिसके चलते त्रबोड़ा गांव के स्थानीय नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इस बाढ़ में सुखनाथ मंदिर निकट बोलेरो गाड़ी पानी में बह जाने की घटना सामने आई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी फौरन प्रशासन को दी। इस बोलेरो गाड़ी में 3 लोग फंसे हुए थे। पुलिस और दमकल दस्ता ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें बोलेरो गाड़ी गांव से 1200 फीट दूर बरामद की गई। वहीं बोलेरो गाड़ी में सवार लोगों का कोई अता पता नहीं है, जिसके चलते फायर ब्रिगेड यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। गुजरात के बनासकांठा में पवित्र तीर्थ धाम अंबाजी है। यहां अंबाजी मंदिर पर लहराने वाली ध्वजा आस्था का केंद्र है। अब इन ध्वजा को गुजरात के अलग अलग गांव और शहरों में स्थित मां अंबा के मंदिर पर भी लहराया जा सकेगा। जिस किसी को भी अंबाजी मंदिर की ध्वजा चाहिए, उसे अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट का संपर्क करना होगा। उन्हें पोस्ट से निःशुल्क रूप से यह ध्वजा पहुंचाई जाएगी। यात्रा धाम अंबाजी मंदिर में अंबा माता के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का विशेष महत्व है। भक्तों की आस्था को ध्यान में रखकर अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट द्वारा एक नई पहल करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें टेंपल इंस्पेक्टर के मोबाइल नंबर 9726086428 पर संपर्क करने पर घर बैठे ध्वजा भेजने की व्यवस्था की गई है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली है, जिसकी खुशी देश भर में देखी गई। गुजरात के वडोदरा में इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए कोठी इलाके के फेमस मनमोहन समोसा सेंटर पर वडोदरा के नागरिकों को निशुल्क समोसा वितरण किया गया। मनमोहन के समोसे पूरे वडोदरा में प्रसिद्ध हैं। ऐसे में वडोदरा के लोगों ने प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ साथ मनमोहन के समोसे निःशुल्क खाने के लिए लाइन लगाई। करीब 4 से 5 हजार जितने समोसे का इस मौके पर वितरण किया गया। अपना भारत का पनौता पुत्र माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी वडा प्रधान नी शपथ ग्रहण करी रहा छे, ते बदल अमे समोसा नु अहीं वितरण थाग्युं छे फ्री मां, अने अमने खूब ज उत्साह छे, अने पब्लिक मां भी खूब उत्साह छे, अने अमने पूर्ण विश्वास छे के चौथा टर्म मां भी नरेंद्र मोदी जी आवशे अने चौथी वखत भी शपथ ग्रहण करशे, अपना भारत ने देश ने विश्व गुरु बनावशे। हमारा श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जे छे आजे छेला 10 वर्ष थी प्रधानमंत्री छे, अने आजे आप तीजी टर्म मां सारी खुशी थी अने सारी बहुमती थी जीतीने आया छे, अने आजे शपथ ग्रहण छे एना एवज अमे अहींया मनमोहन समोसा कोठी 4 रस्ता स्थित अमे फ्री मां वितरण राखवामां आव्युं छे। लगभग 2.5 થી 3 હજાર સમોસાનું અહીંયા વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે, અને આ જુઓ છો તમે આ કેટલું ઉમંગ છે પબ્લિકની અંદર, અને આજે આ ફ્રી વિતરણ નથી, આ આજે મોદીજીની જય છે। આ મોદીજીની જયના હિસાબે આ લોકોને આજે અમે એટલી ખુશી છે કે એના હિસાબે અમે આ સમોસા ખવડાયા છે, અને આ મનમોહન સમોસા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સેવા કરતા આવ્યા છે અને કરતા આવશે।
नतीजा आने के छठे दिन रविवार 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली। पीएम के अलावा 60 मंत्री भाजपा और 11 अन्य दलों के हैं। शपथ से पहले एनसीपी कैबिनेट मंत्री की मांग को लेकर सरकार में शामिल नहीं हुई। मोदी 3.0 पर गठबंधन का असर है। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले मोदी ने अपना सबसे बड़ा मंत्री परिषद बनाया है, जिसमें कुल 71 मंत्री हैं। 2014 में 45 और 2019 में 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस बार 30 कैबिनेट मंत्री हैं। 2019 में 24 और 2014 में 23 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी, यानी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में 25% का इजाफा है। 5 कैबिनेट कुर्सियां गठबंधन को दी गई हैं। इनमें तेलुगु देशम के राम मोहन नायडू, जेडीयू के ललन सिंह, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी और एलजेपी के चिराग पासवान शामिल हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार कैबिनेट से 36 मंत्रियों को जगह नहीं मिली। कैबिनेट में इस बार 7 महिलाएं भी शामिल हैं। पहले टर्म में 8 और दूसरे टर्म में 6 महिलाएं थी। सबसे युवा टीडीपी के राम मोहन नायडू और सबसे बुजुर्ग 79 साल के जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में शुरू से भाजपा में रहे 41 लोगों को मंत्री बनाया गया। कांग्रेस या अन्य पार्टियों से भाजपा में आए 13 लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। 4 ब्यूरोक्रेट्स भी मंत्री बने हैं। 7 राजनीतिक परिवार से आने वाले लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अब इन मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन का इंतजार हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क में आयोजित मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान पर रोमांचक जीत हासिल की। सिर्फ 119 रन बनाने के बाद भारत 6 रनों से यह मुकाबला जीत गया, जिसमें बड़ा योगदान भारत के गेंदबाजों का रहा। दिल की धड़कनें बढ़ा दे ऐसे इस मैच की जीत का जश्न देश भर में मनाया गया। गुजरात के सूरत में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर पटाखे जलाकर भारत का तिरंगा लहराकर जीत की खुशी को मनाया। सूरत के भागलचार रास्ता पर बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को जमकर सेलिब्रेट किया। गुजरात के वडोदरा के समा इलाके में हिट एंड रन की घटना सामने आई है, जिसमें बेलगाम स्कॉर्पियो कार के चालक ने वॉक पर निकले कपल को चपेट में ले लिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें समा की भाविका पार्क सोसाइटी में रहने वाले पति पत्नी विपुल और शिल्पा को बेकाबू रूप से स्कॉर्पियो कार चलाने वाले चालक ने टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो कार एक अस्पताल के कैंपस में पलट गई, जिससे कैंपस को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे को अंजाम देने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को SSG अस्पताल में ले जाया गया, जहां महिला की मौत हो गई, जबकि विपुल भाई जीवन और मौत के बीच जूझते हुए अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। गुजरात के कई शहर जिलों में कल प्री मानसून की बारिश दर्ज की गई। वडोदरा में भी तेज हवाओं के साथ और बिजली के कड़ाकों के साथ धुआंधार बारिश दर्ज की गई। एक ही बारिश ने वडोदरा पालिका की प्री मानसून कार्यवाही की पोल फिर से खोल दी है। थोड़ी सी बरसात में कई जगह पर जल भराव देखा गया। वहीं अकोटा में बिजली गिरने से शंकर मारवाड़ी की मौत की खबर भी सामने आई है। शंकर मारवाड़ी अपनी वाड़ी से घर लौट रहे थे, उस वक्त अचानक बरसी बारिश और गर्जी बिजली ने उनकी जान ले ली। अकोटा अमरा पाथर त्या मैदान है, मैदान में बेसवा गया था, वरसाद पड़ियो ने बिजली पड़ी, इनमें आवू थयो, SSG में लाया छे, पोस्टमार्टम करवानो छे। राजकोट अग्निकांड के बाद गुजरात के वडोदरा में भी फायर सेफ्टी सुनिश्चित करने के नाम पर कई जगह सीलिंग की कार्यवाही की गई है, जिसमें वडोदरा की प्री स्कूल भी शामिल है। वडोदरा के प्री स्कूल और डे केयर के संचालकों ने आज कलेक्टर कार्यालय में एकत्रित होकर आवेदन देते हुए बिल्डिंग यूसेज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए समय मांगते हुए प्री स्कूल और डे केयर जल्द से जल्द खोलने की मांग की है। हमारे वडोदरा में काफ़ी सारे सबके प्री स्कूल्स है, हमारा एक एसोसिएशन है वडोदरा प्री स्कूल एसोसिएशन। हम लोग मिलके कमिश्नर सर को मिलने आए थे और अपील करने आए थे कि जो डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर है उसके लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। मेनली दो चीज़ के लिए सर ने हमें बताया था कि एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स और NOC के लिए, क्योंकि हमारे सारे सेंटर्स जो है मोस्टली ग्राउंड प्लस 1-9 मीटर के नीचे है, तो उसमें हमें NOC का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट जो बेसिक बॉटल्स है ABC और CO2 के फायर एक्सटिंग्विशर्स वो हमने लगा दिए हैं, वो सब हमने कर दिया है। सेकेंड है जो BU है, बिल्डिंग यूटिलाइजेशन, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है क्योंकि उसमें मकान मालिक पेपर वर्क थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके लिए हम थोड़ा टाइम मांगने आए थे सर के पास। गुजरात के वडोदरा के कई इलाकों में अशांत धारा अमल में है, उसके बावजूद हरनी स्थित आवास योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को मकान आवंटित किए जाने का विरोध मोटनाथ रेसिडेंसी के लोगों ने किया है। मोटनाथ आखो एरिया अशांत धारा हेठ आए
અમારા આખા બોટનાથ રેસિડેન્સીના 12 ટાવરમાંથી ફક્ત કે 204 નંબરનું મકાન એવું છે જે લઘુની કોમનાઇટ અસીમને ફાળવવામાં આવ્યું છે. હવે આસાન ધારા હેઠળ આવતો વિસ્તાર હોય તો એને કેમ કરીને ફાળવવામાં આવ્યું એક મોટો પ્રશ્ન છે. બીજું આસાન ધારા હેઠળ આવતો એટલે અહીંના લોકો અમે જે લોકોએ મકાનો લીધા છે એવું વિચારીને લીધા છે કે ભાઈ અમે શાંતિથી રહીશું, બરાબર છે. અને અમારી એવી માગણી છે કે જો આને એકને જો મકાન ફાળવવામાં આવે તો એમને અમે એવું નથી થતા કે એને મકાન ના આપવામાં આવે, એને મકાન આપો પણ એમના વિસ્તારમાં આપો તો જેથી કરીને લોકો શાંતિથી રહી શકે, અમે પણ શાંતિથી રહી શકીએ. અને મને એક સવાલ એવો થાય છે, અમારા આખા રેસિડેન્સીનો એક પ્રશ્ન એવો છે કે શું અસાંધારા હેઠળ આવતો આ જે વિસ્તાર છે તો કોર્પોરેશનને નહીં ખબર હોય અને આટલા બધી રજૂઆતો કરવા છતાં પણ અમને બાંહેધરી આપવા છતાં પણ એ એમનું જે મકાન છે ટ્રાન્સફર નથી કરવામાં આવ્યું તો શું એમને કોઈ દાબદબાણ આપવામાં આવે છે, ઉપરથી કોઈ એવું કંઈ પ્રેશર આપવામાં આવે છે, કંઈ ખબર અમને ખબર નથી પડતી. અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ આખા મોટનાથ રેસિડેન્સી હરણીય એરિયાના લોકો કે એમને એમના વિસ્તારમાં મકાન ટ્રાન્સફર કરી આપવામાં આવે અથવા નવું ફાળવવામાં આપે અને અહીંયા નરેન્દ્ર મોદીને રવિવાર કો તીસરી બાર પ્રધાનમંત્રી પદ કી શપથ લી, ઉનકે સાથ 71 મંત્રીઓને ભી શપથ લી, ઇનમે 11 સહયોગી દલ ભી હૈ. શપથ લેને કે બાદ સોમવાર કો પીએમ મોદીને પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય પહોંચ કર કાર્યભાર સંભાલા. उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किया. पीएमओ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मोदी का स्वागत किया. आज की बैठक में मंत्रियों को उनके विभाग बांटे जा सकते हैं, साथ ही सरकार के पहले 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा होगी. यह तय माना जा रहा है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह के विभाग नहीं बदले जाएंगे. पहले की तरह शाह गृह मंत्री और राजनाथ रक्षा मंत्री बने रहेंगे. सबकी नजर गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों को मिलने वाले विभाग पर रहेगी. इसके अलावा कैबिनेट में शामिल पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी महत्वपूर्ण विभाग मिलने की उम्मीद है.